सो हे गाइस, वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वोकैब सेशन। वोकैब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीन चार नंबर तो इससे फिक्स हो जाते हैं। एयरफोर्स में तो चार नंबर और नेवी में पाँच छः नंबर इससे वोकैब से आ जाता है। वोकैब में आपका इडियम्स हो सकता है, एंटोसाइनो हो सकता है और फ्रेजल वर्ब भी हो सकता है। फ्रेजल वर्ड या फ्रेजल वर्ड, ठीक है। तो वोकैब में आज हम देखेंगे इडियम्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों देखेंगे, ठीक। तो वोकैब स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा है इडियम्स, से पहले देखते हैं। फर्स्ट है गो बाय द बुक, इट मीन्स टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली। मतलब हम अगर किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम जो है ना इस बुक के अकॉर्डिंग जाओ, तो मान लो कि बुक में बहुत सारे रूल्स लिखा हुआ होगा और हम बोल रहे हैं कि इस बुक के अकॉर्डिंग तुम चलो, तो इसका मतलब हुआ कि टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली, ठीक। बी इन इक्लिप्स। इक्लिप्स अब क्या होता है? इक्लिप्स होता है कि जैसे वो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं होता, सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स, तो उस तरह से बी इन इक्लिप्स का मतलब हो गया कि लेस सक्सेसफुल, ठीक है। इक्लिप्स मतलब ग्रहण लग गया, उससे आप समझ सकते हैं कि जो है ना ये लेस सक्सेसफुल होगा। फिर एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब कि आप ऐसे समझो कि एल्बो रूम जैसे एक रूम है ऐसे, और इधर से भी निकलना है आपको, तो वहाँ पे जो है ना बहुत ही कम स्पेस है, तो आप मतलब ऐसे जा रहे हैं ना, तो मतलब एल्बो भी आपका टच हो जा रहा है इस दोनों में, ऐसे एल्बो टच हो जा रहा है। तो मतलब क्या है कि टू गिव एनफ स्पेस टू मूव और वर्क इन, मतलब जब ऐसा टच हो जा रहा है तो आपको क्या चाहिए कि मतलब थोड़ा और ज़्यादा स्पेस रहता तो अच्छा रहता, या जाने में आसानी होता आपको। तो वहाँ पे हम कह रहे हैं कि टू गिव एनफ स्पेस टू मूव, मतलब थोड़ा और ज़्यादा जगह अगर ऐसे दे देंगे, थोड़ा और ज़्यादा जगह दे देते तो काम करने में आसानी होती या जाने में, ठीक। फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब हुआ कि बिना बताए जो छुट्टी ले लेते हैं ना कभी कभी ऑफिस में या कहीं भी स्कूल में, तो उसके हम लोग बोल देते हैं कि लीव विदाउट परमिशन, ठीक। ऐसे ऐसे समझ सकते हैं इसको। ऐसे याद करने का तरीका ऐसे याद कि फ्रांस में जो लोग रहते हैं उसको फ्रेंच बोलेंगे, तो फ्रेंच लोग जो होते हैं ना वो जो है ना हमेशा छुट्टी ले लेते हैं बिना बताए, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि फ्रेंच लीव मतलब लीव विदाउट परमिशन। अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब कि जैसे गुस्सा होता था कैसे हम लोग अपना हाथ को ऊपर कर लेते हैं, एकदम टाइट कर लेते हैं, तो उसका मतलब हो गया कि वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया, ठीक। कलर चेंज करते हैं थोड़ा, अच्छा नहीं लग रहा। जुडास किस का मतलब हुआ क्या कि हाइपोथेटिकल अफेक्शन, मतलब दिखावा वाला प्यार होता है ना आजकल, तो शायद वही है कि दिखावा वाला प्यार कि मतलब बोलते हैं क्या बहुत करते हैं हम, बहुत प्यार करते हैं, ये सब जो है ना अभी तो ये सब जरूरी भी नहीं है ये सब चक्कर में पड़ना। तो जुड़ास किस का मतलब हुआ कि हाइपोथेटिकल अफेक्शन, मतलब दिखावा वाला प्यार, ही रांझा वाला नहीं। टू एग ऑन का मतलब हुआ कि टू इंस्टिकेट और अर्ज। अर्ज का मतलब होता है उकसाना, इंस्टिकेट का मतलब उकसाना होता है, अर्ज मतलब भी वही होता है, तो टू एग ऑन मतलब उकसाना। ऑफ हैंड, तो ऑफ हैंड का मतलब हो गया कि विदाउट प्रिपरेशन। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी मतलब कोई सभा कोई मीटिंग नहीं कहीं पे गए हुए हैं और आप वहाँ पे आराम से बैठे हुए थे, मतलब हाथ पॉकेट में रख कर गया, उसके बाद में आपको जो अचानक बुला लिया गया मतलब स्टेज पे बोलने के लिए कुछ, तो वहाँ पे तो आप बैठे हुए थे और आपको कुछ प्रिपरेशन था नहीं कुछ बोलने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विदाउट प्रिपरेशन या एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया हुआ था इससे पहले, मतलब हमेशा आता है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है कोई भी थॉट कोई भी कुछ भी जो बिना प्रिपरेशन के बोला जाए। पायरिक विक्ट्री। पायरिक विक्ट्री तो क्या होता है कि जो है ना डंके की चोट पे मतलब जो जीत लेता है, जैसे मान लीजिए कि विक्ट्री एट हाई कॉस्ट, इसका मतलब यह हुआ कि जो मतलब जिस जीत में जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कसमत करना पड़ा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं विक्ट्री एट हाई कॉस्ट, मतलब इसमें जो है जी जान लगा के जीतना उसको विक्ट्री एट हाई कॉस्ट। पायरिक। रैंक एंड फाइल का मतलब हो गया कि कॉमन पीपल। देखिए कॉमन पीपल का है जैसे रैंक एंड फाइल ऐसे समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी क्या थे मतलब
कॉमन पीपल थे, लेकिन उसके उनके पास कितना था, रैंक बहुत सारा था, कोई हर एक चीज़ का उपाधि था उनके पास। तो उस तरह से ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि रैंक एंड फाइल का मतलब कॉमन पीपल। अब हम कुछ ऊपर ईडियम्स हो गया, अब हम कुछ देखते हैं साइनो। ठीक, साइनो वैलियंट का मतलब क्या होता है, गैलेंट, डॉटी और ब्रेव, इससे आपको याद हो जाएगा। वैलियंट मतलब समझ जाइए ना, ब्रेव होता है। ठीक, वर्ड आपको याद करना होगा, TREAD, थ्रेड मतलब होता है वर्क, मतलब टहलना। डर्थ मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी बोल सकते हैं, SCARCITY, स्कार्सिटी। ठीक, डाइवल्ज का मतलब क्या होता है, डाइवल्ज का मतलब क्या होता है आपको, डाइवल्ज का मतलब होता है रिवील, डिस्क्लोज, मतलब कोई बात को बता देना, कोई बात का खुलासा कर देना, उसको हम लोग डाइवल्ज बोलते हैं। टॉर्पिड का मतलब होता है लेजी का एक और होता है लथार्जिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, आया था, लेजी का लथार्जिक होता है और टॉर्पिड होता है। प्रोजनी का तो आप बायो में सुने हुए, प्रोजनी मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग, मतलब संतान। ठीक, प्रोजनी ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान। फियास्को मतलब होता है फेल्योर, फियास्को FIASCO, फियास्को मतलब होता है फेल्योर। और इससे भी इम्पोर्टेंट वर्ड ये आया, ऑबनॉक्सियस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑबनॉक्सियस का मतलब, ऑबनॉक्सियस से ही आपको मतलब नॉक्सियस बोलने से ही समझ में आ जा रहा है क्या कि हार्मफुल टाइप का होगा, हार्मफुल इसका मतलब हार्मफुल होता है, हार्मफुल। एक वर्ड याद रखिए उसका नाम परनीसियस चाहे डिट्रीमेंटल। ठीक, क्यूपिडिटी का मतलब होता है ग्रीड, लालच, क्यूपिडिटी CUPIDIT, क्यूपिडिटी का मतलब होता है ग्रीड, लालच। और हर्टलेस का होता है हर्टलेस, जिसके अंदर कोई दया भाव ना हो। ठीक, तो इस तरह से हम आज क्या करवाए हैं, आज हम आपको idioms करवाए हैं और synonyms करवाए हैं। देखिए vocab का सेशन जो है वो हम रेगुलर कर दिया करेंगे, या इसको आप हम आपको हम ये अभी दे देंगे 9 बजे तक, नहीं तो हाँ 9 बजे तक आपको रोज़ दे दिया करेंगे vocab। तो डेली आकर के आप वोकैब देख लीजिएगा, क्योंकि वोकैब से 4-5 नंबर आ ही जाता है। तो इस तरह से आप चैनल पे बने रहिएगा, अगर जो नए लोग होंगे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।